तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी हम जाने वाले हैं गधेरे में मछली पकड़ने। अभी मैं पहुंच चुका हूं रोड पे, हमारा घर है यहां से नीचे। और अब मैं रोड पे हूं, पीछे देख सकते हो आप रोड का काम लगा हुआ है। मेरे साथ जा रहे हैं इतने सारे बंदे और हम सब लगे हुए रास्ते। पहले हम आज गधेरे में करेंगे यूँ कि हमने तोड़ना है गधेरे का पानी। एक जगह का पानी हमने दूसरी जगह लगाना है। पानी सूखने के बाद मछलियाँ मर जाएगी, उसके बाद हम पकड़ेंगे। यार चलो चलते हैं, उससे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए और ब्लॉग के साथ। और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। हम रोड पर लगे हुए हैं रास्ते और हमारे साथ के बंदे जो हैं वो आगे आगे जा रहे हैं। तो चलो यार चलते हैं यहाँ से आगे, मिलते हैं आपको अब गधेरे में। अभी हम यहाँ रोड पे और हमने जाना है, वो सामने दिख रहा होगा आपको गधेरा, उस गधेरे में जाना है हमने। अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, अभी बहुत ऊपर है हम गधेरे से, यहाँ से नीचे जाएंगे अब। तो चलो चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे गांव में कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं वन विभाग द्वारा। यहाँ पे दीवार दी गई है। अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गधेरे में। ये पीछे है गधेरा यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है आजकल। और हमने यहाँ नीचे पे है पानी, हमने इधर का पानी इधर की साइड लगाना है, तब जाके हमें मछलियाँ मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे खड़े हो बैठे हैं। हमारे साथ के जो बंदे थे वो मेरे पीछे हैं यहाँ पे, सब के सब थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करके पानी तोड़ा जाएगा और कैसे करके हमें यहाँ मछलियाँ मिल सकती है। तो फिलहाल हम कुछ लाए तो हैं नहीं घर पे। तो हम यहाँ पे का पानी तोड़ने वाले हैं। तो ये वाला पानी जो उधर की साइड जा रहा है, ये उधर की साइड वाला पानी हमने लगाना है यहाँ के लिए। उसके बाद हम उधर कांटे डालेंगे नीचे और वहाँ से हम मछलियाँ पकड़ेंगे। तो चलो काम अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब शुरू हो चुकी है हमारी मेहनत और अब तोड़ने वाले हम पानी।
हमने इतना पानी बंद किया। पहले जो ये आप इधर देख सकते हो पानी, ये वाला पानी पहले पूरा इधर की तरफ था, यहाँ हमने बहुत कम कर दिया पानी, पानी बिल्कुल सूख गया है और सब पानी हमने तोड़ के इधर की साइड लगा दिया। अब देखते हैं, देखना ये है कि हमें यहाँ कितनी मछलियाँ मिलती है, तो चलो देखते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हमने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी है। यार मैं फ़ोन उधर नहीं ले जा पाया क्योंकि बीच में इतना सारा पानी था, तो फ़ोन को ले जाने का डर हो रहा था कहीं फ़ोन पानी में ना गिर जाए। तो हमने फाइनली मछलियाँ पकड़ दी है। यहाँ पे से इतना पानी हमने तोड़ा है आज, ये पूरा पानी हमने इधर लगाया है और वहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने पन्नी भी लगाई है। तो यार अभी आपको दिखाता हूँ कि कितनी मछलियाँ हमने पकड़ी है। फाइनली हमने इतना पानी तोड़ा था जो कि ये बहुत ज़्यादा पानी है, एक नदी के बराबर पानी, और इतना पानी तोड़ने के बाद हमें मिली है इतनी सारी मछलियाँ। तो यार आज काफ़ी सारी मछलियाँ मिल गई, लेकिन हमने सुबह से आए थे हम 9 बजे, और 9 बजे से अभी शाम के बज चुके हैं 4 बजे तक यहाँ मछलियाँ ही पकड़ते रहे। अब जा रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मछली पकड़ के वापस, और नहा धो के भी आ गए हैं। ये मेरे पीछे है थमयाली, तो ये है इतनी मछलियाँ मेरे हाथ में। तो यार थमयाली यहाँ इसलिए डाली है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मछलियाँ पकड़ी हुई है, तो थमयाली यहाँ डालनी पड़ी। तो अब जा रहे हैं घर के लिए यहाँ से। तो ये है मेरे पीछे गदेरा, इतनी दूर अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई पे ऊपर और जाते हैं घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड पर और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो यार आज के इस फिशिंग वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या आपने ऐसी मछलियाँ पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, इतनी ज़्यादा मछलियाँ कभी पकड़ी है या नहीं पकड़ी है। और यार हमारी इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो यार एक लाइक भी कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा और अच्छा और मज़ेदार। तो यार चलो चलते हैं घर की तरफ, ठीक है गाइस, बाय बाय।